जयंत सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा की 1275 पोस्टों पर नई वैकेंसी आई हुई है, जिसका लास्ट डेट 5 नवंबर 2023 तक रखा गया है। अधिक मात्रा में इस फॉर्म को बहुत सारे कैंडिडेट फिलअप कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि बिहार दरोगा की वैकेंसी है। आपको इसमें वर्दी जरूर लेना चाहिए क्योंकि दरोगा का जो पोस्ट है, जो दरोगा का पावर है, आप सभी कैंडिडेट जानते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हम 2023 में अभी अपना स्नातक पास किए हैं, यानी कि बीए पास किए हैं, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपका स्नातक डिग्री है हमने किया हुआ है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपका जो है नौकरी लग ही जाएगा। यानी कि आप सब क्लियर करने के बाद, यानी कि पीटी, मेंस, फिजिकल सब क्लियर करने के बाद ही आपको जॉब नहीं दिया जाएगा अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या सचमुच 2023 में जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैंने बिहार दरोगा का जो फुल ऑफिशियल नोटिस है मैंने उसको ओपन कर रखा है, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे कि लास्ट डेट 5 नवंबर 2023 तक रखा गया है, जो कि 1275 पोस्टों पर जो नई वैकेंसी आई हुई है, लेवल 6 के अनुसार आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, जो कि सबसे अधिक डाउट है कि क्या 2023 में जो विद्यार्थी पास कर चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षण योग्यता में आपको साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि आखिरकार कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हैं अपना किसी भी स्ट्रीम के साथ, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने कर रखा है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन कब तक? यहाँ पर देखिए डेट मेंशन किया गया 1/8/2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, तो अब बात आता है कि जो 2023 वाले विद्यार्थी हैं क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर हो पाएगी। उससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि इस बुक को बाय करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चशु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1275 पोस्टों पर बिहार दरोगा की बंपर भर्ती आई हुई है, साथ ही इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है, जो कि दिसंबर में होना है। ठीक है, इसलिए आपको इसकी तैयारी अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए। और देखिए ये जो बुक है आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है, क्योंकि 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे आपको, और प्लस में 5 आपको सोल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित एक पुस्तक है। तो बिल्कुल आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपने नजदीकी मार्केट से इस बुक को बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक मार्कशीट को ओपन कर रखा है, एक सर्टिफिकेट को ओपन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनका जो डेट मेंशन किया गया है रिजल्ट का, 25/4/2023, यानी कि 25 अप्रैल 2023 को इनका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया था, या फिर कह सकते हैं इनका जो सर्टिफिकेट है दे दिया गया था। तो ये जो कैंडिडेट हैं बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट के नीचे आपको यहाँ पे देखिए एक डेट दिया गया होगा, इस डेट को देख लेना है। ठीक है, अगर आपका जो डेट है 1 अगस्त 2023 से पहले का है तो फिर बिहार दरोगा के लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर डेट जो है 1 अगस्त 2023 के बाद वाला है तो। ठीक है, और देखिए जो मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट ओपन कर रखा है, जो इनका सत्र था वो था 19 से 22। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले बिहार में 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता था, जो कि 19 से 22 था, और यहाँ पर देखिए इनका जो रिजल्ट पब्लिश किया गया या फिर सर्टिफिकेट दिया गया है वो आपको 25/4/2023 को दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 22 वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन कैंडिडेट को 22 में फाइनल होना था ग्रेजुएशन, उनको जो रिजल्ट है वो जो सर्टिफिकेट है 23 में दिया गया है। तो यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो कैंडिडेट 23 में पास होने वाले थे, जिनका भी थर्ड ईयर का एग्जाम हो रहा है, तो बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर जो कि बता रहे हैं कि अगर आपने अभी पार्ट टू का एग्जाम दे दिया है, थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 23 वाले सत्र का अभी थर्ड ईयर का एग्जाम शायद चल ही रहा है या फिर खत्म हो गया होगा, तो यहाँ पे जो कैंड
23 वाले अभी विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा कि जो मैंने मार्कशीट ओपन कर रखा है ये 19 से 22 वाले का है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिजल्ट डेट या फिर सर्टिफिकेट जो डेट है वो 25/4/2023 दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको सारे बातें क्लियर कर दी कि जो भी कैंडिडेट 2023 में भी थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं वो तो बिल्कुल आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सर्टिफिकेट नंबर और बहुत सारा डिटेल डालना पड़ता है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे 19 से 22 वाले सत्र हैं वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित या फिर बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।